बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री करीना कपूर ने अपने से 15 साल बड़े और बूढ़े अभिनेता सैफ अली खान से शादी करने का एक चौंकाने वाला राज खोला है, जिसे जानकर आपको बॉलीवुड से नफरत हो जाएगी और आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सैफ अली खान जैसा शरीफ सा दिखने वाला आदमी आखिर इतना गंदा और गिरा हुआ काम कैसे कर सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान और करीना कपूर खान की लव स्टोरी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। सैफ अली खान और करीना कपूर खान के बैकग्राउंड भी एक दूसरे से काफी अलग थे। सैफ अली खान जहां मुस्लिम परिवार से हैं, तो वहीं करीना पंजाबी हिंदू परिवार से हैं। करीना कपूर और सैफ के बीच उम्र का भी एक लंबा फासला है। करीना की ये जहां पहली शादी थी, तो सैफ की ये दूसरी शादी, और वो दो बच्चों के पिता भी थे। इनकी शादी से पहले बड़ी दिक्कत ये थी कि सैफ अली खान की ये दूसरी शादी थी। इससे पहले वो अमृता से तलाक ले चुके थे और सारा अली खान और इब्राहिम के पिता थे। इसके अलावा दोनों की उम्र में 15 साल का फासला था। इस बात का खुलासा खुद करीना कपूर खान ने एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया था कि सैफ से शादी से पहले उन्हें परिवार ने और दोस्तों ने हिदायत दी थी। उनसे कहा गया था कि वो यानी कि सैफ अली खान दो बच्चों के पिता हैं, तलाकशुदा हैं, इसीलिए उन्हें ये फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। करीना कपूर ने किसी की भी बात नहीं मानी और सिर्फ अपने दिल की बात सुनी। 16 अक्टूबर साल 2012 ये वो दिन था जब दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई। खास बात यह है कि पटौदी परिवार में शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी है। सैफ अली खान की माँ शर्मिला टैगोर ने भी पिता मंसूर अली खान पटौदी की बेगम बनने के लिए मुस्लिम धर्म कबूला था, लेकिन करीना कपूर खान ने ऐसा नहीं किया। दिलचस्प ये है कि बेबो के इस फैसले को सैफ अली खान ने पूरी तरह से सपोर्ट किया था। सैफ अली खान जितना अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, उससे ज्यादा चर्चा में रही हैं उनकी पर्सनल लाइफ। सैफ अली खान की पहली शादी जब टूटी, तब कई तरह की खबरें सामने आई थी। सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें तलाक के बाद कितनी रकम चुकानी पड़ी थी। उन्होंने खुलासा किया था कि उस वक्त उनके पास इतने पैसे नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने अमृता सिंह को ये रकम किस्तों में अदा की थी। दोनों की शादी 13 सालों तक चली थी, लेकिन जब टूटी तो वाकई हर कोई हैरान रह गया था। सैफ ने 1991 में खुद से 12 साल बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता सिंह से शादी की थी। दोनों की पहली मुलाकात साल 1992 में हुई थी। उस समय अमृता बॉलीवुड में अपनी अच्छी खासी पहचान बना चुकी थी और सैफ बेखुदी फिल्म से डेब्यू करने जा रहे थे। कहा जाता है कि पहली नजर में ही ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। अमृता और सैफ की पहली डेट अमृता के घर पर हुई थी। जब सैफ अमृता के घर पहुंचे, तो अमृता ने मेकअप नहीं किया था। अमृता की सादगी पर सैफ अली खान जैसे फिदा ही हो गए थे। दोनों में इस कदर प्यार था कि उम्र के फासले की परवाह किए बिना दोनों ने शादी कर ली। दोनों के दो प्यारे बच्चे भी हुए, सारा अली खान और इब्राहिम। बताया जाता है कि एक विदेशी ट्रिप के दौरान सैफ की जिंदगी में इटालियन मॉडल रोजा आई थी और यही दोनों का तलाक का कारण बनी। 2004 में दोनों का तलाक हो गया। वहीं तलाक के बाद एक इंटरव्यू में सैफ ने बताया कि अमृता ने मुझे 5 करोड़ रुपए देने को कहा था, लेकिन उस वक्त मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं पूरे पैसे दे पाऊं। मैंने ये रकम किस्तों में चुकाई। इसके अलावा मैंने ये भी वादा किया था कि मैं इब्राहिम के बड़े होने तक हर महीने 1 लाख रुपए भी दूंगी। बहरहाल तलाक के बाद 2012 में सैफ ने करीना कपूर से शादी कर ली। करीना सैफ से 15 साल छोटी हैं। सारा भी तब तक बड़ी हो चुकी थी। अब देखो तो इस नवाबी फैमिली में सभी रिश्ते अपनी जगह काफी खूबसूरत हैं। सैफ अमृता की बेटी सारा करीना कपूर के काफी करीब हैं। तो दोस्तों, करीना को अपने से 15 साल बड़े सैफ में ऐसा क्या नजर आया था जो वह उसके साथ घर बसाने को तैयार हो गई? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।